हेलो दोस्तों, नमस्कार। विवेकियन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का रेसिपी में हम बना रहे हैं खस्ता निमकी। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम मैदा निकाल लिए हैं, करीब 100 ग्राम मैदा है, ये देखिए। अब इसमें हम 100 ग्राम मैदा में जितना नमक लगे स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा नमक नहीं दीजिएगा, हल्का नमक डाले हैं। और 1 चम्मच काला जीरा डाल रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइन तेल डाल रहे हैं, इससे खस्ता बनता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मसल देना है। बस अब इसमें कुछ नहीं मिलाना है, इसको अच्छी तरह से मसल करके जब पूरा तरह से मिल जाएगा तब पानी दे करके सानेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, एकदम मिल गया। देखिए, ऐसे ऐसे मसलिएगा और सानिएगा, जब तकला नहीं मिलेगा तब तकला मसल करके सानिएगा, ये देखिए। और इसका पहचान ये है दोस्तों कि देखिए, मुट्ठी बांधिएगा तो बंधा जाएगा, ये देखिए बंधा गया। तो अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और जैसे आटा गूंथते हैं रोटी बनाने वाला, उसी तरह इसको सानना है। तो हल्का हल्का पानी देना है दोस्तों, ये देखिए, ज़्यादा पानी नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा मैदा। बस हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से गूंथेंगे। तो दोस्तों, हम मैदा हम अच्छी तरह से सान लिए हैं। तो देखिए, छोटा सा लोई है, कम बना रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम सान लिए हैं दोस्तों, 10 मिनट तक ले इसको हम फूलने दे देते हैं, तब तक के लिए इसको हम ढक देते हैं। और इसी बीच में हम आग जला लेते हैं, तब तक ले फूलेगा। तो आग हम जला लिए हैं, कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं और तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम निमकी बेलते हैं दोस्तों, निमकी तैयार करते हैं। ये देखिए, एक 10 मिनट तक लग फूलने दिए इसको, कितना एकदम सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा रोटी जैसा हम गोंदी काटते हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छी तरह से मस लेंगे, गोल करेंगे, गोल करके इसको बेलना है। देखिए, ये देखिए, एकदम रोटी जैसा बेलना है। दोस्तों, हम रोटी तरह बेल लिए हैं, अब इसको हम काटेंगे चाकू तरफ चाकू से, ये देखिए। तो दोस्तों, हम निमकी काट लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए, अब इसको डालेंगे। पहले हम एक ठो चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, एकदम पूरा कंप्लीट है तेल। अब इसमें सब डाल देते हैं, देखिए कितना अच्छा बन रहा है निमकी, ये एकदम एक नंबर बनेगा निमकी। देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा, एकदम खस्ता निमकी बनेगा दोस्तों, ये देखिए। बना करके रखिएगा घर में, नाश्ता में लीजिएगा, बच्चों सबको दीजिएगा, बाजार से अच्छा बनता है, घर का बना हुआ एकदम शुद्ध होता है, घर में बनाइएगा खाइएगा। तो दोस्तों, देखिए निमकी कितना अच्छा तला गया है, ये देखिए। सादा बेलते हैं उस समय सादा रहता है मैदा जैसा कलर, आज छानने के बाद जब कि अच्छी तरह से जब ये पक जाता है
तो देखिए हल्का हल्का लाल हो जाता है, सुनहरा कलर हो जाता है। तो सुनहरा कलर तक तलिएगा दोस्तों, नहीं तो कच्चा रह जाएगा तो खस्ता नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो कैसा निमकी का कलर है, ये देखिए अभी एकदम पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो घर में निमकी बना करके खाइएगा दोस्तों, नाश्ते में लीजिएगा, बच्चों के लिए बना करके व्यायाम में रख दीजिएगा। तो कभी बच्चा भी रोएगा तो निकाल करके दीजिएगा, कोई गेस्ट लोग भी आएगा तो उसको भी दे सकते हैं। तो घर का निमकी खाने का एक अलग स्वाद होता है दोस्तों। तो बाजार का जैसा हम निमकी घर में अपना हाथों से बना लिए हैं दोस्तों, आप लोग भी बना करके खाइएगा, बहुत मजा लगेगा। देखिए निमकी मेरा रेडी हो गया। तो दोस्तों घर में हम अपने हाथों से हम निमकी खस्ता बना लिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो मेरा दोस्तों, थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए कितना एकदम खस्ता निमकी बना है, एकदम दुकान की तरह एकदम, देखिए ये देखिए एकदम परफेक्ट निमकी बना है, और खाने में भी उतना स्वाद लगेगा दोस्तों। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं तक ले रखते हैं दोस्तों, अब अगले रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों निमकी खाइएगा, इंजॉय लीजिएगा, और बाय बाय।